दोस्तों नमस्कार, आप सभी को नया वर्ष 2020 बहुत बहुत मंगलमय हो। आपकी हर खुशी आपको मिले, हर सपना आपका पूरा हो। आप अलग अलग प्रकार की शुभकामनाएं आपको मिलेंगी, अलग अलग वीडियो आप देखेंगे। मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक टीचर हूँ। मैं सबसे पहले तो इस नव वर्ष पे धर्म क्या है उसकी परिभाषा आपको समझाने जा रहा हूँ। इस समय देश में धर्म को लेकर बड़ी जिक्र चल रहा है। धर्म क्या है, जो इस वीडियो को देख रहा है सबसे अपील करना चाहता हूँ, धर्म क्या होता मैं बताता हूँ आपको। मेरा धर्म क्या है, मेरा धर्म है जो मेरे बच्चे बैठे हैं। मैं शिक्षक हूं, CLC में जो बच्चा पढ़ रहा है, जो बच्चा मेरी संस्था में है, यदि मैं इस बच्चे के लिए ईमानदारी से काम कर रहा हूं, मैं सुबह से लेकर आंख खुलने से लेकर सोने तक इन बच्चों के लिए जीता हूं, तो मैं मेरे धर्म को निभा रहा हूं और मैं पूर्ण मैं धार्मिक आदमी हूं। और यदि मैं इनके साथ बेईमानी कर रहा हूं, यदि मैं इनके लिए अच्छा नहीं कर रहा हूं, तो मैं मेरे धर्म को नहीं निभा रहा। शायद यही धर्म है और यही भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था अर्जुन से। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन बाण चला, अर्जुन ने कहा किस पे चलाऊं, सामने दादा खड़ा है, चाचा खड़ा है, भाई खड़े हैं। तो कृष्ण जी ने कहा कि तेरा धर्म है, तेरा स्वधर्म है कि अपनी सेना की रक्षा कर। इसलिए मैं इस वीडियो को देखने वाले सभी अपनों से कहता हूं, अपना धर्म डिसाइड करो। और अपना धर्म है, और धर्म की दूसरी परिभाषा यह, जिस कर्म से, जिस काम से मेरे घर में आटा आता है, नमक आता है, मैं उसके प्रति ईमानदार हुआ नहीं हूं। और दोस्तों मैं कह सकता हूं कि मैं प्राउड से कह सकता हूं, 31 जनवरी 1996 से लेके आज तक मैं मेरे धर्म को निभाता आया हूं। मैं तो इस नए वर्ष पे आप सब बड़ों का आशीर्वाद और छोटों का प्यार चाहता हूं कि मैं मेरे धर्म सेल से धर्म को निभाता रहूं। जैसे मेरी बच्ची नम्रता शर्मा जो आज हमारे बीच आई हुई है, आप लेडी हार्डिंग्स से हैं, आप हरियाणा जिंद की बच्ची हैं, लास्ट ईयर आपका नीट का रैंक 418 रहा, हरियाणा स्टेट में आपका 7th रैंक रहा, गर्ल्स में आपका 4th रैंक रहा। ये बच्ची आज हमारे बीच इसीलिए आई है अपने छोटे बहन भाइयों को नव वर्ष की शुभकामना देने के लिए। तो दोस्तों आप सबको नया वर्ष बहुत बहुत मुबारक हो, आपके सब सपने पूरे हो, बट न्यू ईयर तो सबका आएगा, माफी चाहता हूँ, सबका न्यू ईयर आएगा, बट हैप्पी उनका होगा जो अपने धर्म को निभाएंगे। जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनका धर्म पढ़ाई करना है। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ, पढ़ने के बाद भी मार्क्स नहीं आए, मार्क्स कम आए, तो घबराना नहीं है, कोई नेगेटिव बात नहीं करनी है। हमने हमारा धर्म था प्रयास करना, हमारा धर्म था ईमानदारी से काम करना, हमने किया। उसके बाद रिजल्ट हमारे मन मुताबिक नहीं आया तो कोई बात दोस्तों, लोग कहते हैं कि जब एक रास्ता बंद होता है खुदा ईश्वर कई रास्ते और खोल देता है। तो आप सबको एक नए स्टाइल में, एक नए तरीके से, मुझे लगा कि मैं मेरे किसान को बहुत पसंद खेत होता उसका, है ना, वैसे मेरे जो मुझे बहुत पसंद मेरी क्लासेज है, तो मुझे लगा मेरी क्लासेज में खड़ा होकर मैं आपको वेरी विश गुड विश करूँ। और दोस्तों कहते हैं जिंदगी में सफल वो व्यक्ति होता है जिसकी पीठ बहुत मजबूत हो। मेरे पीछे मेरा भाई, छोटा भाई ज्ञान जी कड़वासरा खड़ा है, ये मेरी मजबूत पीठ है। CLC की सफलता में इस मजबूत पीठ का बड़ा हाथ है। एक बार सभी लोग ज्ञान जी के लिए तालियां बजा के। पिछले 19 साल से मेरी पीठ को मजबूत किए हुए हैं। यहाँ भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ, नव वर्ष पे कामना करता हूँ कि मेरी पीठ और मजबूत रहे। ऐसे मेरे सभी मेरे शिक्षक बंधु, मेरे गार्जियंस, मेरे भावक सभी मेरी मजबूत पीठ को रखें ताकि मैं अच्छे से काम कर सकूँ, फिर से कह सकूँ कि मैं मेरे सेल्स धर्म को निभा सकूँ। इसलिए मैं अक्सर आपने देखा होगा मैंने मेरा नाम भी श्रवण CLC कर रखा है। मेरा सबसे बड़ा ईमान मेरा सब है वो CLC है। एक बार फिर से इस वीडियो को देखने वाले सभी बड़ों को प्रणाम, हम उम्र को प्यार, छोटों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आपके हर सपने पूरे हों, हमारे नम्रता की तरह आपके सपने पूरे हों, और आप भी बच्चों सफल होके अगले साल आप सेल से आके अपने छोटे बहन भाइयों को हैप्पी न्यू ईयर कहें। एक साथ सब बोलेंगे नव वर्ष।